नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। ठंड बहुत है आज थोड़ा। कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1960 को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ईस्वी में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1956 ईस्वी में कोल्टा जांच समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बलवेंद्र सिंह आर्य थे। 1965 ईस्वी में केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान को लेकर लोकर समिति का गठन किया। लोकर समिति की सिफारिश पर 1967 ईस्वी में उत्तराखंड में 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया, जिसमें थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा व राजी हैं। भारत सरकार ने राजी व बोक्सा को आदिम जनजाति का दर्जा दिया। राज्य में सर्वाधिक आबादी थारू जनजाति की है व सबसे कम आबादी राजी जनजाति की है। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, पहली नानकवत्ता, दूसरी चकराता में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी उधम सिंह नगर में निवास करती है, इसके बाद देहरादून व पिथौरागढ़ में। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी रुद्रप्रयाग में है और इसके बाद टिहरी जनपद में है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी टिहरी में निवास करती है, इसके बाद अल्मोड़ा व पौड़ी के जिले शामिल हैं। सर्वाधिक शिक्षित एसटी आबादी रुद्रप्रयाग में व सबसे कम शिक्षित एसटी आबादी हरिद्वार में पाई जाती है। राज्य की राठी जनजाति पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में निवास करती है। इनके विकास के लिए राठ विकास अभिकरण का गठन किया गया था। दिसंबर 2016 में पौड़ी का राठ, टिहरी का गगांठ एवं चमोली के पेनखंडा क्षेत्र को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया। उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति थारू है। यह जनजाति उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता व सितारगंज के 141 गांवों में निवास करती है। उधम सिंह नगर में 90% थारू जनजाति की आबादी रहती है। थारू जनजाति राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल आदि में पाए जाते हैं। थारू जनजाति के लोग स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं। थारुओं को किरातवंशी माना जाता है, जो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। थारुओं की जनजाति में कई गोत्र हैं, जिन्हें कुरी कहा जाता है, बड़वायक, रावत, बट्ठा, महतो, डहेत आदि। बड़वायक गोत्र थारू जातियों में सबसे उच्च माना जाता है। थारुओं में राणा, कठरिया, डंगरिया, जोजिम, जोगिम व पचीमा उपजाति मिलते हैं, जिसमें पचीमा उपजाति गोरखपुर में वास करती है। राणा उपजाति के लोग सर्वश्रेष्ठ थारू होते हैं, जो नैनीताल व उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। कठरिया उपजाति के लोग उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा में निवास करते हैं। थारू जनजाति के पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में सर पर चोटी रखते हैं। थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा का चलन था, जिसके तहत बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन था। वर्तमान समय में 3 टिनकी प्रथा थारुओं में प्रचलित है, जिसके तहत एक दूसरे की बहन की जगह उनके अन्य किसी रिश्तेदार की लड़की से विवाह किया जा सकता है। थारुओं में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मजपतिया एवं दोनों पक्षों के मध्य विवाह तय कराने करने को पक्की पोड़ी कहा जाता था। थारू जनजाति के लोग विवाह माघ या फुलेरा दूज में करते हैं। थारुओं में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसके अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिसे लटभरवा भोज कहते हैं। विधवा विवाह में थारू को चुटकटा तथा उठाण विवाह प्रचलित है। थारुओं की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे उरारी कहते हैं। थारू जनजाति के पुरुषों को परंपरागत वस्त्र लंगोटी है। थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल व मछली है और तंबाकू और मदिरा इनका प्रिय पेय है। थारू जनजाति के लोग स्वयं निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। थारू लोग वनों में आखेट करते थे, जिसे इन्हें खावर कहा जाता है। थारू जनजाति में पितृवंशीय एवं प्रतिस्थानीय पारिवारिक परंपरा देखने को मिलती है। थारू जनजाति के लोग प्रतिवर्ष 4 तरह की पूजा करते हैं। थारू जनजाति के लोग धान की बुआई के बाद हरिया पूजा करते हैं और नवरात्रि में दशहरा पूजा करते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की पूजा होती है। थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार बैसाख या ज्येष्ठ महीने में बनाया जाने वाला बजर है। थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोगों द्वारा होली सांस्कृतिक महोत्सव को 1 माह 8 दिन तक मनाया जाता है। स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। उजली होली या बैठकी होली थारू जनजाति से संबंध रखते हैं। थारुओं की बिरादरी पंचायत में 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं। बिरादरी पंचायत का मुखिया
चौधरी या महंता होता है, और उसके बाद बड़घेर, भलेमानस और चौकीदार आदि होते हैं। न्याय के लिए थारुओं में महापंचगण की प्रथा है, जिसमें मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क किया जाता है। इसमें मदिरा सबसे प्रधान मानी जाती है। दिनखोरी प्रथा की परंपरा थारुओं में पाई जाती है, जो सगाई कहते हैं। दिनखोरी मतलब सगाई। थारुओं में संयुक्त व एकांकी परिवार की प्रथा मिलती है। झुमड़ा थारुओं का नृत्य गीत एवं लहचारी नृत्य है। थारुओं की कोई प्रमुख भाषा नहीं है, वे भावरी व मिश्रित पहाड़ी, अवधी तथा नेपाली आदि बोलते हैं। तराई क्षेत्र में मच्छरों के बीच थारू जनजाति ने अपना अस्तित्व बनाया, जिस कारण उन्हें मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह जौनसारी है, तथा गढ़वाल में यह सबसे बड़ा समुदाय है। जौनसारी लोग राज्य के पश्चिम भाग में जौनसार बाबरिस्तान में निवास करते हैं। देहरादून जिले के चकराता, कालसी व त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जौनसारी लोग टिहरी के जौनपुर एवं उत्तरकाशी के परग निकान क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जौनसारी लोगों की मुख्य भाषा जौनसारी है, लेकिन कुछ लोग बाबरी, हिबाचली एवं देवगरी भाषा भी बोलते हैं। जौनसार में बैथा एक प्रकार का झाड़फूँक के उपचार की विधि है। गणात प्रथा के द्वारा जौनसारी लोग शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है, उसे माली कहते हैं। जौनसार में उंग्या विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी जनजाति में मंगोल व डोम प्रजाति के मिश्रित लक्षण मिलते हैं। जौनसारी समाज 3 वर्गों में बांटा गया है, खसास, कारीगर एवं हरिजन खसास। खसास वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत लोग आते हैं। जौनसारी समाज में पितृसत्तात्मक पर संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब जौनसार में बालतिया, पेकाकी और बोई देदी की विवाह का प्रचलन है। बालतिया जौनसारियों में सबसे सांसौगत वाला विवाह है। बालतिया विवाह प्रथा में लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर धूमधाम से बैंड बाजे के साथ बारात जाती है। बेबाकी जौनसारियों के साधारण प्रतीति वाला विभाग है। जौनसारी लोग विवाह के अवसर पर गाय को दहेज के रूप में दान देते हैं। जौनसारी जनजाति की महिलाएं घाघरा पहनती है और ऊन से बने पैजामे को जगोली कहते हैं। ऊन एवं अन्य चीजों से बने रंग बिरंगे जूतों को पहनते हैं, जिसे आल कहा जाता है। ढांट एक बड़ा रुमाल होता है, जिसे महिलाओं द्वारा पहना जाता है। जौनसारी लोगों का मुख्य देवता महासू है, जिसका मंदिर हनोल में है। यह जौनसारियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जौनसारियों के अन्य तीर्थ स्थल लाघाबंडर और कालसी हैं। भादो महीने में लगने वाला जागड़ा महासू का देवता का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें देवता को टॉस नदी में स्नान किया जाता है। जौनसार के लोग बिस्सू त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। दिवाली के अवसर में जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं। विजयादशमी को जौनसार में पंयता कहा जाता है। जौनसार में सावन महीने में मनाया जाने वाला नुड़ाई त्यौहार भेड़ पालकों का प्रमुख त्यौहार है। जौनसारी लोगों का मरोज उत्सव का मुख्य पकवान गीमा है। वीर केसरी मेला 3 मई को चौलीथाल में लगता है। 3 मई 1945 ईस्वी को वीर केसरी चंद को फांसी की सजा दी गई। इनके बलिदान दिवस के रूप में यह मेला मनाया जाता है। वीर चंद्र केसरी जी आजाद हिंद फौज में सिपाही थे। इनका जन्म चकराता के क्यावा गांव में 1920 ईस्वी में हुआ था। वीर चंद्र केसरी जी ने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। वीर केसरी नामक रचना के रचयिता पंडित शिवराम है। मचमौड़ व जतरियाणो मौड़ दो मेले प्रसिद्ध हैं जौनसार में। मचमौड़ में एक किसी गाड़ में टिमूर के सूखे पाउडर को डालकर मछलियां पकड़ी जाती हैं, और जतरियाणो मौड़ में कई खसोया पट्टियों के लोग गाजे बाजे के साथ अपने हथियारों के साथ एकत्रित होकर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बिस्सू मेला है। बिस्सू मेला बैसाखी से 4 दिन तक चलता है। बिस्सू मेले का प्रारंभ स्थल चौलीथाल है। बिस्सू मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य होता है। हारुल नृत्य या परात नृत्य जौनसार में किया जाता है। हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अंडे का डांस, पौणाई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी, रास रासो, पत्तेबाजी, ठुमकिया, सराई, बराड़ी, गांडिया आदि जौनसार के प्रमुख नृत्य हैं। दिवाली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी का नृत्य किया जाता है। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदानाटी है। जौनसार के प्रमुख लोकगीत हारुल, मांगल, केदार छाया, विरासू, रणारात, सिलोंगू, छोड़े व गोड़बड़ा आदि है। जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक समिति पाई जाती है। गांव के प्रत्येक परिवार में एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता है। खुमरी से ऊपर खत खुमाणी होता है, जिसके मुखिया को खत सयाणा कहा जाता है। खत खुमरी दो या दो से अधिक गांवों के बीच दीवानी या मालगुजारी मामलों के समाधान के लिए बनाई गई समिति होती है। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार बाबर भी कहा जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी हैं।
देविका चौहान व कृपाराम जोशी जौनसार के समाज सेवी हैं। जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती हैं। इन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया जा चुका है। जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि पंडित शिवराम हैं। मनोज सागर भी एक जौनसारी गायक है। जौनसार के जुबिन नौटियाल ने हिंदी गायकी में राष्ट्रीय स्तरीय ख्याति प्राप्त की है। भोटिया जनजाति किरात वंशीय अर्ध घुमंतु जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने की मुख्य भूमिका भोटांतिकों की रही है। भोटिया लोग 1962 ईस्वी से पहले नीति, माणवा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। भोटिया महाहिमालय में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति है। भोटिया जनजाति में व्यासी, जेठरा, छापड़ा, मारछा, तोलछा, चौदासी, जोहारी, सौका उपजाति पाई जाती है, जिनकी लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। तिब्बती भाषा में रणपा शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें रण का अर्थ घाटी एवं पा का अर्थ निवासी होता है। नीति घाटी में रहने वाले भोटियाओं को नीरी रणपा कहते हैं, जबकि माणा घाटी में रहने वाले भोटियाओं को डूनी रणपा कहा जाता है, और उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटियाओं को सोसा रणपा कहा जाता है। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के जिलों में 291 गाँवों में निवास करते हैं। चमोली जिले में मारछा व तोलछा एवं उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। चमोली के माणा, मलारी व टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। उत्तरकाशी के जादुंग, नेलंग एवं अंगर स्थानों पर भोटिया जनजाति निवास करती है। पिथौरागढ़ जिले में सौका, जोहारी, चौदासी व दरमिया जाति के भोटिया लोग रहते हैं। पिथौरागढ़ के तेडांग, जोलिंगकोंग व कुटी गाँवों का संबंध भोटिया जनजाति से है। भोटिया जनजाति तिब्बती व मंगोलियन जाति का मिश्रित रूप है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास वाली जनजाति है। इनके ग्रीष्मकालीन अवकाश को मैत, जबकि शीतकालीन अवकाश को मुंसा या गुंडा कहते हैं। भोटिया जनजाति एक पशुपालक व भ्रमण जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं, जिसका प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। भोटिया लोगों का विशेष पदार्थ ज्या है। इसे बनाने के लिए वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन, नमक आदि का प्रयोग किया जाता है। भोटिया जनजाति में विवाह की 2 प्रथाएं पाई जाती हैं, तत्सत व दमोला। भोटिया जनजाति में दामोला विवाह प्रथा पाई जाती है, जिसमें बराती वर के नाम पर ही दुल्हन को गढ़ ले आते हैं। भोटिया जनजाति के लोग विवाह को दामी कहते हैं। अंचल विवाह या सरोल विवाह जोहारी जनजाति के भोटियाओं में पाया जाता है। भोटिया में युवा ग्रह या रंग भंग प्रथा का प्रचलन भी रहा है। इसके तहत गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता था, जहां अविवाहित युवक युवतियां रात में शामिल होते थे। विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों द्वारा पौणा नृत्य किया जाता है। पौणा नृत्य एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, जो एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है। भोटिया लोगों के द्वारा ग्वाल, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत, द्रोणागिरी एवं बैंग रैंग चैम आदि देवताओं की पूजा की जाती है। भोटिया जनजाति भूम्याल देवता की पूजा करते हैं। घंटा गण देवता की पूजा बुग्यालों में चढ़ने वाले पशु पक्षियों की रक्षा के लिए की जाती है, जबकि साई देवता की पूजा खोए हुए पशुओं के बारे में पता लगाने के लिए की जाती है। विपत्ति के समय भोटिया लोग तिब्बती देवी देवता फैला व घुरमा की पूजा करते हैं। भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव मनाते हैं, जिसे एक किर्ची उत्सव कहा जाता है। भोटिया लोग चीन से गममिया पद्धति द्वारा व्यापार करते थे। गममिया पद्धति में पत्थर के टो टुकड़े करके एक दूसरे के पास साझीदार के प्रतीक के रूप में रखा जाता था, और व्यापारिक मित्रता के लिए सुजली व मुजली रस्म की आवश्यकता होती थी। भोटिया जनजाति पशुपालक जनजाति है, जो ग्रीष्मकाल में बुग्यालों की तरफ जाते हैं। ग्रीष्मकाल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, और झूम खेती की भांति कटीली विधि से वनों को साफ कर खेती करने के योग्य बनाते हैं। भोटिया जनजाति का वाद्य यंत्र हुड़का है। तुबेरा, बाजू व तिमली भोटिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। तिमली लोकगीत सामाजिक विषय पर आधारित बाजू वीर रस प्रधान एक तुबेरा रशिया प्रकार का लोकगीत है। एक गाय की तरह दिखने वाले पशु का पालन भोटिया लोग करते हैं, जिसे जीबू कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग मीट को शीतकाल के लिए सुखाकर रखते हैं। भोटिया बोली में आभूषणों के लिए साली पुली कहा जाता है। भोटिया लोग चांदी से बनी सिक्कों की माला पहनते हैं, जिसे बलडंग कहते हैं। भोटिया जाति की स्त्रियां बीरावली व पतेली वाली एवं छाकरी वाली नामक आभूषण सिर पर धारण करती हैं। उत्तरकाशी की जाट जनजातियां अपने आप को जनक का वंशज मानती हैं, और ये धर्म बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उत्तरकाशी के जादुंग व नलेल घाटी में जाड़ के लोग निवास करते हैं। लोहसर एवं शेरगुन जाड़ लोगों का प्रमुख त्यौहार है। लोहसर त्यौहार बसंत पंचमी को मनाया जाता है। जाड़ लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र चोगा या वपकन है। जाड़ों की बोलचाली भाषा रोम्बा है, जो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। जाड़ जनजाति का समाज 3 वर्गों में विभक्तित है। बोक्सा जनजाति के अधिकतर लोग बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले के रामनगर में वास करते हैं। राज्य के 173 ग्रामों में बोक्सा जनजाति निवास करती है। उधम सिंह नगर व नैनीताल में बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है, जिसका शब्द आईने अकबरी में भी किया गया है। अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। विद्वानों के अनुसार बोक्सा जनजाति धारानगर के राजा जगत देव के वंशज थे। बोक्सा गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी के कोटदार, बाबर क्षेत्र व देहरादून के विकासनगर व सहसपुर विकासखंडों में निवास करती है।
देहरादून जिले में महर बोक्सा निवास करते हैं। बोक्सा लोग खुद को पवार राजपूत मानते हैं। बोक्सा जनजाति में बैठाण विवाह प्रथा प्रचलित थी। बोक्सा लोग भंवरी, रजभैंसी व कुमैया बोली बोलते हैं। बोक्सा जनजाति में 5 गोत्र हैं, यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराजा व तनवार। बोक्सा जनजाति में पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकारी माना गया है। बोक्सा जनजाति में पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है। काशीपुर की चौमुंडा देवी बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है। बोक्साण में बोक्सा सागरिया देवता की पूजा होती है। सागरिया देवता को ग्राम देवता भी कहा जाता है। बोक्सा जनजाति में जादू टोना व तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। चैती, होंगड़, गोडरे, ढलिया एवं मोरो बोक्सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायती होती है, जो न्याय एवं कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। बिरादरी पंचायत 5 सदस्यीय पंचायत होती है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता है। इसके बाद एक मुंसिफ, एक दरोगा व 2 सिपाही होते हैं। बिरादरी पंचायत के सभी सदस्य वंशानुगत होते हैं। इस समय में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ के धारचूला, कनालचिना व डीडीहाट विकास खंडों के 7 गांवों में निवास करती है। इसके अलावा नैनीताल और चंपावत में भी के कुछ क्षेत्रों में ये निवास करती है। राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा गया है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति राजी है। राजी जनजाति के आवासों को रतुड़ा कहा जाता है और इनकी बोली मुंडा है। राज्यों की भाषाओं में तिब्बती व संस्कृत दोनों शब्दों की अधिकता पाई जाती है। राजी जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। राज्यों में विवाह से पूर्व सांगजांगी एवं वह पिठा संस्कार प्रथा, वर वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन भी किया गया। राजी जनजाति में विवाह विच्छेद के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार होते हैं। राजी जनजाति में स्त्रियों को पर्दे में रखने व रसोई में किसी अन्य व्यक्ति को न प्रवेश करने देने की परंपरा है। राजी जनजाति का प्रमुख देवता बाघनाथ है। राजी जनजाति के लोग गणनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन व छुरमल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। राजी जनजातियों का प्रमुख त्यौहार कर्क संक्रांति व मकर संक्रांति है। राजी जनजाति में मूंग के 38 विनियम पाया जाता है। राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। राजी लोग रिंग डांस करते हैं, जो थड़िया नृत्य के समान है। राजी जनजाति की सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ में है। सप्ताह के दिनों का अलग अलग नाम राजी लोग लेते हैं। वनरोज जनजाति से ताल्लुक रखने वाले प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार है। राज्य की 65 जातियों को 1776 ईस्वी में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हरिद्वार व उधम सिंह नगर है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले चंपावत व रुद्रप्रयाग है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बागेश्वर में है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या देहरादून में है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीट आरक्षित वाला जिला हरिद्वार है, जिसमें 3 है संख्या। राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति को 19% का आरक्षण प्राप्त है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला नैनीताल है। आगरिया जाति के लोग धातुओं के खनन का काम करते हैं। इन्हें भी अनुसूचित जाति का आरक्षण प्राप्त है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम जानेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। क्या पता उससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेके आऊँ। तब तक के लिए